तो प्रयागराज के उमेशपाल हत्याकांड के मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। माफिया अतीक अहमद के गुर्गे मोहम्मद गुलाम की फोटो जरूर जारी कर दी गई। आरोपियों की तलाश में एसटीएफ और क्राइम ब्रांच इस वक्त लगी हुई है, लेकिन अभी तक एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अतीक के कई करीबी हालांकि हिरासत में लिए गए, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है। अतीक के करीबियों से इस वक्त सख्ती से पूछताछ कर रही है। और आपको बता दें, सीसीटीवी जो सामने आया था, जो वीडियो सामने आया इस हत्याकांड से जुड़ी, जो जानकारी अभी तक पुलिस के हाथ लगी है, उसके आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है, लेकिन आरोपियों तक पुलिस अभी तक नहीं पहुंच पाई है। एसटीएफ और क्राइम ब्रांच लगातार जांच पड़ताल कर रही है। अतीक के कई करीबी हिरासत में भी लिए गए इस मामले में। शूटर जो है वो मोहम्मद गुलाम ने मुहैया कराया था, ये जानकारी जरूर सामने आ रही है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उमेश पाल हत्याकांड में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। आरोपियों की तलाश एसटीएफ और क्राइम ब्रांच की टीम कर रही है। चार सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ चुके हैं, जिसमें नजर आता है कि कैसे पांच बदमाश हाथों में बंदूक लेकर आते हैं उमेश पाल और उनके गनर पर ताबड़तोड़ गोलियां चला देते हैं। पंजाब की गोइंदरवाल जेल में गैंगवार हुआ और गैंगवार में दो गैंगस्टर मारे गए। लॉरेंस ग्रुप ने इसकी जिम्मेदारी ली है। मारे गए जो गैंगस्टर हैं, जग्गू भगवानपुरिया गैंग के हैं और पंजाब की जेलों में इसके बाद से हाई अलर्ट जारी कर दिया गया। तो पंजाब से खबर, जहां पंजाब की गोइंदरवाल जेल में गैंगवार हुआ और गैंगवार में दो गैंगस्टर मारे गए हैं। लॉरेंस ग्रुप ने हालांकि इसकी जिम्मेदारी भी ले ली गई। मारे गए गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरिया गैंग के पंजाब की जेलों में यहां पर अब हाई अलर्ट कर दिया गया इस घटनाक्रम को देखने के बाद, और लॉरेंस ग्रुप ने इस गैंगस्टर वॉर की, इस घटनाक्रम की जिम्मेदारी दी है।